जी आपका स्वागत है आपका। सर बताएं, कल जो आपको एक मैसेज आया है रिसेंट, उसी बी सी अशोक अहमद जी का, उसके बारे में क्या मैसेज था, क्या कुछ हेल्प किया गया है उसके बारे में? देखिए, आज से एक हफ्ता पहले मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अशोक अहमद जी की जो काली करतूतें थी, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उन्होंने की हुई हैं, जो उन्होंने इमेजिनिंग की है, जो बंगलिंग की है, जो वहाँ पे बाई भतीजावाद वहाँ पे चलाया हुआ है, उसको मैंने एक्सपोज किया है। और जब मैंने एक्सपोज किया तो मुझे कल प्रोफेसर अशोक अहमद जी जो हैं वो मुझे धमकाते हैं, वो मुझे थ्रेट करते हैं कि मैं आपका पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म कर दूंगा, आपको जो है वो मैं कोर्ट में घसीटूंगा, आपके खिलाफ मैं डिफामेशन का केस करूंगा। बिल्कुल उसका हम उसके जो ये सोच है, तो हम उसको कहना चाहते हैं कि प्रोफेसर अशोक अहमद जी को राइट है पूरा कि वो हमारे खिलाफ़ जो है वो केस कर सकते हैं, लेकिन रही बात थ्रेट की, वो हमें थ्रेट किस बात का दे रहे हैं, वो किस बात की मुझे धमकी दे रहे हैं, वो क्या अलग अलग लोगों से मुझे जो धमकाने का प्रयास कर रहे हैं फ़ोन करके। तो आप, मैं ये बताता हूँ कि देखिए, ये उसने जो रात का मुझे थ्रेट दिया है, ये देखिए, ये अशोक अहमद, ये नीचे लिखा है अशोक अहमद, पूरे का पूरा ये देख लीजिए, ये देखो, ये पूरे का पूरा उन्होंने मुझे थ्रेट दिया है, और व्हाट्सएप पे मुझे इस तरीके का मुझे थ्रेट दिया है कि वो कहता है कि आपको मैं बिल्कुल बर्बाद करके रख दूंगा। ये क्या है? अगर प्रोफेसर अशोक अहमद जी अगर सच्चे इंसान हैं, तो जो मैंने एलिगेशन लगाए हैं कि उसने जो वहाँ पे 5 करोड़ रुपए की जो सैनिक कॉलोनी में जो बंगला बनाया हुआ है, अलीशान बंगला, तो क्या वहाँ पे जो मटेरियल लगा है, ये साबित करें कि वहाँ पे जो ईंटें लगी हैं उसका बिल जो है वो, उसकी जो चेक थ्रू जो पेमेंट है वो साबित करें, सीमेंट सरिया कहाँ से लाया उसको, वो थ्रू चेक अगर पेमेंट की हुई है वो साबित करें, अगर जो 18 मरले की जो रजिस्ट्री हुई है, छत्ती मरले का जो प्लाट है वहाँ पे, और छत्ती मरले का प्लाट जो है वो 2.5 करोड़ रुपये का प्लाट है, और 2.5 करोड़ रुपया ऊपर लगा हुआ है, यानी कि 5 करोड़ रुपया उस बंगले पे जो लगा हुआ है, वो साबित करें ना कि ये पैसा उसके पास कहाँ से आया। वो कहता है कि मेरी वाइफ प्रोफेसर थी। अरे अगर प्रोफेसर थी, हम मानते हैं कि प्रोफेसर थी, अच्छी बात है, लेकिन आज से 6 साल पहले जब वो कंट्रेक्चुअल प्रोफेसर थे जम्मू यूनिवर्सिटी में, उन्होंने 6 लाख रुपए का जो SBI बैंक से जो लोन लिया था कि मैं इसकी रेनोवेशन के लिए, अपने मकान की रेनोवेशन के लिए, जो इंसान, जो मुलाजम 6 लाख रुपया अपने मकान की रिपेयर के लिए बैंक से लोन लेता है और 6 साल के बाद 5 करोड़ के बंगले बनाता है, तो ये साबित करे वो अशोक अहमद जी VC साहब कि उसके पास ये पैसा कहाँ से आया। और जो उन्होंने जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जितनी भी वहाँ पे बंगलिंग की हुई है, वो हमें साबित करे, वो हमें क्या, वो कोर्ट में साबित करें, या वो मीडिया में आए, या वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएं कि उसके पास ये पैसा कहाँ से आया। अगर अनी लैंड कंपनी जो वहाँ पे जो बिजली के काम जिन्होंने लिया हुआ था 44 करोड़ रुपये का जो ठेका था, उसको 10 करोड़ रुपये का इन्होंने किस तरीके से उसको अप्रूवल दे दिया कि आप पीरियड के जो बाद, क्योंकि 18 महीने का पीरियड था उसका कंप्लीट करने का, ठेकेदार का 18 महीने में उसने कंप्लीट नहीं किया, और उसको जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी मना किया कि इसको आगे जो है वो आप ठेका नहीं दे सकते। जो लीगल काउंसिल है उनके, जो अटॉर्नी जनरल, जो DC राणा साहब जो लीगल काउंसिल है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, उन्होंने मना किया कि इसको आप या तो ब्लैक लिस्ट में डालिए इस ठेकेदार को, या इसका लाइसेंस रद्द कीजिए। आपने किस कैपेसिटी पे उसको जो है अप्रूवल दिया, 10 करोड़ रुपया उसको कैसे अप्रूवल दे दिया कि आप काम कीजिए, यानी कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। अगर उसको इंटरेस्ट नहीं था तो उसने दरकिनार करते हुए बाकी वालों की जो फंड जो उसकी तो वो थी अप्रूवल थे, जहाँ उन्होंने जो मना किया था उसको दरकिनार करते हुए अहमद साहब ने खुद ब खुद उसको अप्रूवल दे दिया और 10 करोड़ रुपया रिलीज़ कर दिया लोगों के फंड का।
और वहाँ पे तारें जो हैं बिजली की तारें इकट्ठे करके रख दी और आज तक वो वहाँ पे ख़राब हो रही है करोड़ों रुपए की। ये जो पैसा है ये कैसे बर्बाद किया अहमद साहब ने, इसको क्या अख्तियार था? तो इसलिए अब जब हमने इसको एक्सपोज किया वाइस चांसलर को, तो अब इसके पास धमकाने के लिए कुछ नहीं है। तो मैं तो जब तक सच और दूध का दूध और पानी का पानी सच सामने नहीं लाया जाता, तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। मैं प्रोफेसर अशोक अहमा की धमकियों से डरने वाला नहीं हूं, मेरे पास प्रूफ हैं, मैं साबित करूंगा। प्रोफेसर अशोक अहमा भी साबित करे कि वो सच्चा इंसान है, उसने कोई करप्शन नहीं की है, उसने कोई बंगली नहीं की है, उसने कोई वहाँ पे भाई भतीजावाद नहीं किया, उसने कोई 75% जो है वो अपने रिश्तेदारों को वहाँ पे नौकरी नहीं दी है, वो साबित करे। और हम भी साबित करें कि ये प्रोफेसर अशोक अहमा जो है ये बिल्कुल ही वहाँ पर करप्ट वाइस चांसलर, जो पूरे हिंदुस्तान में करप्ट वाइस चांसलर जो है वो प्रोफेसर अशोक अहमा है, जो जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी का VC है। तो इसलिए हमारी लड़ाई जो है वो करप्शन के खिलाफ चलती रहेगी। हमें प्रोफेसर अशोक अहमा धमका नहीं सकता, हमें प्रेशराइज नहीं कर सकता, और जब तक प्रोफेसर अशोक अहमा को कड़ियाँ नहीं लग जाती, इसको सलाखों के पीछे नहीं डाला जाता, इसको जेल नहीं करवा देते, तो तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। और हम प्रशासन से, ख़ास तौर पर गिरीश चंद्र मुर्मू साहब जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, और HRD मिनिस्ट्री और राष्ट्रपति से हम अपील करना चाहते हैं कि जिस तरीके से प्रोफेसर अशोक अहमा ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में जिस तरीके से यहाँ पे करप्शन का यहाँ पे अड्डा बनाया हुआ है, यहाँ पे एक भ्रष्टाचार यहाँ पे जो फैलाया हुआ है, और इसको जो है वो फौरी तौर पे इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और ये प्रोफेसर अशोक अहमा जी जो जिस तरीके से ये एक्सटेंशन वाइस चांसलर की एक्सटेंशन लेने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, तो इसकी एक्सटेंशन भी रद्द की जाए और इसको सलाखों के पीछे डाला जाए, क्योंकि इस किस्म का भ्रष्टाचारी वाइस चांसलर जो है वो हमने ज़िंदगी में पहली बार देखा है। और जब तक प्रोफेसर अशोक अहमा जी को गिरफ्तार नहीं किया जाता, जब तक इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती और CBI की इंक्वायरी जब तक शुरू नहीं की जाती, तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं हैं।